एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज का हिंदी का वर्क शुरू करें। आज है हमारी 13 अगस्त 2020। इसको बोलेंगे हिंदी में 13 अगस्त 2020। और हिंदी में आज हम करेंगे ए, जिसका सिंबल ऐसे होता है। सिंबल मीन्स उसकी मात्रा, की मात्रा। तो वर्णमाला पर सबसे हम पहले ए की मात्रा लगाकर सीखते हैं ना, जैसे क ए के ख ए खे। ओके, स्टार्ट करें। वेरी गुड। क ए के ख ए खे ग ए गे घ ए घे ड ए रे। दूसरी लाइन, च ए चे छ ए छे ज ए जे झ ए झे या ए ये। ओके, तीसरी लाइन, ट ए टे ठ ए ठे ड ए डे ढ ए ढे णा एणे। नंबर चार, त के बाद हमारे किसकी लाइन आती है? त तरबूज की। त ए ते, जैसे ही तारीख लिखेंगे तेरह बन जाएगा, है ना, ते से बनेगा। थ ए थे द ए दे ध ए धे ना ए ने। अगली लाइन, पांच नंबर पे, त ध द ध न के बाद क्या आएगा? प प ए पे फ ए फे ब ए बे भ ए भे म ए मे। नंबर छ, य ए ये र ए रे ल ए ले व ए वे। मैंने जब बड़ाओं की मात्रा सिखाई थी तो आपको बताया था 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ तक आता है हमारा 5। 5 तक में 5 5 वर्ण आते हैं, 5 लाइनों में, क में च में ट में क में और प में। यहाँ तक हमारी आती है 5 5 वर्णों की लाइन। और नंबर 6 7 और 8 में आती है 4 4 वर्णों की लाइन। तो आप इसको 4 तक ही रखेंगे, नेक्स्ट लाइन को यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। मैंने पीछे भी मना किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने यहीं पे शह शलगम लिखा हुआ था, और इस बार अगर आप ऐसे लिखेंगे तो मैं रोंग कर दूंगी, उसको कट कर दूंगी, आपको पूरा वर्क दोबारा करना पड़ेगा। ओके, श ए शे स ए शे स ए से हा ए हे। और आखिरी लाइन है अक्ष के। अक्ष किससे बनता है? श शलगम से और क कबूतर से मिक्स करके क्ष क्षत्रिय बनता है अक्ष। ये मिक्स वर्ण वाली लाइन है, दो वर्णों के संयुक्त करने से जो लाइन बनती है वो लास्ट लाइन होती है। अक्ष
त्र, त्र कैसे बनेगा? जो हमारा त है, त में हम र मिला देंगे तो त्र बन जाएगा। क्ष ए क्षे, त्र ए त्रय, ज्ञ ज्ञ किससे बनेगा? ज कहाँ है? ज और य मिला देंगे तो ज्ञ बन जाएगा। गे और श्र, 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 श और र मिला देंगे, ये र, एक श और र मिलाया तो श्र बन गया। ठीक है, ये संयुक्त वर्ण की लाइन थी। ये तो हमने वर्णमाला पर ए की मात्रा लगाकर सीखा। अब इसी के साथ हम शब्द भी लिखेंगे, तो इसी में ही मैं आपको शब्द भी लिखवाऊंगी। कौन से शब्द? ए की मात्रा के शब्द। यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे, मात्रा हमारी कौन सी चल रही थी? ए की। ए के ऊपर नहीं लगती है, ऊपर जिस पर लगती है वो आई हो जाती है। यहाँ पर अगर लगेगी कि मात्रा के शब्द, तो शब्द भी हम इसी के साथ साथ सीखेंगे, क्योंकि अभी सितंबर में हमारे एग्ज़ाम है, तो मैं फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करना है, इसलिए मैम थोड़ा सा फास्ट चलेंगी अभी। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे सेब, दो पर केला, सारे फ्रूट नेम लिखवा देती हूँ आपको। नंबर तीन पर चेरी, ठीक है। नेक्स्ट, चार पर देर। नंबर पांच चमेली, चमेली का एक प्लांट होता है, उसके फ्लावर से ऑयल भी बनाते हैं। नेक्स्ट जलेबी, सबको पसंद है ना जलेबी खाना। सात पर पहरे दार, पहरेदार कौन होते हैं? जो गार्ड खड़े होते हैं ना, उनको बोलते हैं पहरेदार। नेक्स्ट है शेरवानी, शेरवानी क्या होती है? जो लॉन्ग एक कोट जैसे होती है उसको बोलते हैं शेरवानी। नेक्स्ट रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या होती है? ट्रेन। ट्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे? रेल गाड़ी। तो आपको ये सारे शब्द हैं जो बोल बोल कर लिखने हैं, बोल बोल कर। जैसे एक ही बोलेंगे तो ऐसी एक मात्रा लगेगी, जैसे के पे लगी है तो इसको बोलेंगे स ए से ब सेब, क ए के ला केला, च ए चे री चेरी, द ए र देर, च म ए मे ली चमेली। चमेली कभी कभी किसी का नाम भी होता है। ओके, ज ल ए ले बी जलेबी, प ह र ए रे दार पहरेदार, श ए शे र वानी शेरवानी, र ए रे ल ग आ डी गाड़ी रेल गाड़ी।
रेल होती है जो उसकी पटरी होती है, पटरी जो उसका ट्रैक होता है उसको तो बोलते हैं रेल, और ट्रेन होती है उसको गाड़ी, रेल और गाड़ी, जो ट्रैक पे रेल पे चलती है वो वाली गाड़ी को बोलते हैं रेल गाड़ी।